प्रोग्राम में भलीकार व्यूज टाइम से गुड मैं अनिल कुमार नाजरीन बिलावल भुट्टो जरदारी है तो नैब चेयरमैन के अगर थोड़ो भी शर्म आए तो इस्तीफा दई घर हल वे नैब के तारो लगे वे उन चवण तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नैब के रहने जो को भी जवाब ना है। उन्हें तो समूरी सियासी पार्टियों गजी करे नैब के कार्य कानून के खिलाफ कानून साजी कन। उन यो भी चयो तो फैटिफ के आड़ में कारो कानून आंदो पे वे इन पूरी सूरत हाल से राय मालूम कर अज अस पैलेस की टीम मौजूद है अज अस ज्वाइन किया है शबीर शर साहब अमर सिंधु साहबा निसार खोखर साहब इनाम भट्टी साहब अली हसन साहब ए सुहेल सांगी साहब मेहमान के भलीकार जी। शबीर शर साहब तवा का शुरुआत क्यों था यो बुधायो तो बिलावल भुट्टी जी ये गाल कही है नैब के कानून के हवाले से सियासी पार्टियों के हवाले से गजी कानून साजी कर खत्म कन नैब के कानून के खत्म कर लाए बिलावल भुट्टो पैं कोशिश में कामयाब थो रहम कौन ये रुगो मुतालबन सा चेयरमैन हटन हो जाए असेंबली के जरिए आयो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट असेंबली में छो तो मूव करे सिर्फ सियासी बयान दियण से आंसर नेप जो चेयरमैन हटी वो जा उनके सिर्फ मार्कू टाइन मान में आवाम में जैसे वो सिंसियर हो गाल नेप चेयरमैन के हटाण से असेंबली में मोशन हाँ मोशन छो तो मूव करे उन मोशन का उनके कें रोको ये सिर्फ जो है सो सिर्फ सियासी जो से चालबाजू हैं वे चालबाजी तो को हलंद इन से मूँ हाँ समझन था आवाम भी समझे तो हर कोई समझे तो इन मुतालबो सिर्फ मानुन के बुधायण मोशन आने लगे तो अक्सरियत है अक्सरियत तो होचे या ना होचे वो असेंबली में हाँ वो उत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एक ऑफिसर अपॉइंट थल या भर्ती थल को आयो कमीशन ऑफिसर ना है डीएमजी ग्रुप तो ना इनके असेंबली आंदो है असेंबली में जहाँ इन पास पास थो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उते ही मूव करे ना अक्सरियत होजेसि या ना होजेसि उते खी वे तुम फोरम आ ना बाहर भी तो मुतालबो करे पॉलिटिक्स चाहे ना बहराणी रांद समझी अचा अस तो समझूं पाया तो ये सिर्फ जो मानुन के बेवकूफ तो ठाए जो हुकुमरान ठाइन पाया तीन अड़ा पॉलिटिशियंस भी मानुन के बेवकूफ था ठाइन पाया गाल उनके काथे करनी है करे काथे तो बीठो असलो उन्हें सीरियस आए नी को कहीं सूरत में न शुरू में सीरियस हुआ कि नहीं हुकूमत पे ठही न अपोजिशन से गजी हर अन्ना जो मसलो ठाए मतलब भी बीह रहा उन्होंने हुकूमत के वो चेक दिनों तो वो भले वही हुकूमत ठाएन हिंसर इन से किस्म जो कन पा हरकतू बारणियों मैं नो समझा तो उनको मेच्योर मुतालबो आयो ठीक जी 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 सुहेल संघ साहब तुम चवंदा तो बिलावल भुट्टो के कामयाबी मिलती इन कानून के खात्मे ला बिलावल भुट्टो के कानून के खात्मे ला जी अक्सरियत खपे वह हासिल आए को बे नंबर से जो गाल है इंपॉर्टेंट यह है तो भाई खुद जो एहसाब जो यो कानून है जो एहसाब सेल का शुरू थोसाब ब्यूरो का शुरू थो तो हाँ एहसाब ब्यूरो से अच्छी बीठो आई मुख्तलिफ फार्म में रो यो पे दफो नवाज शरीफ के दौर में ठो वो शुरुआत थी हुई तो इन जो जहा का जो तकरीबन जो सो दह साल खन जो एक सिविलियन गवर्नमेंट जो रही तो उन्हें चूंडल हुकूमत जो रही तो उन्हें सासदान के दबाव में रखने के लिए सिलसिलो शुरू करो वो तदें मतलब तो पे दफो ये ओदी मल मुख्य याद आ इस्लामाबाद में होश करें केदो वो दबाव हो इन कानून के ठाण के लिए तमाम ठीक ठाक तदें नवाज शरीफ गवर्नमेंट में जो ठा वो उनके वरी मुशरफ अना तब्दील कर उनका जी जी वक्त वो उनके वधीक जो सो बदतरीन शक्ल दिनी गई हाँ जो उनका कानून है पाँच जाए से वो पर उनके बायलाज हैं वे जड़े तरीके जुड़िया वन उनके नतीजे में हीड़ो पैं जाए से खुद एको अड़ो इंडिपेंडेंट अड़े किस्म का इदारो बढ़ी वो जी पा वो अगे चवंदा भाई रियासत ज ये जो टे पिलर्स जुडिशरी है पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव तो हाँ जो यो यो चौथों या पंजों थंबो विच में बटे बया भी थंबा निकली आया हुआ तो यो हाँ वो बणजी वो उनकी हैसियत बणजे को एनी हाव जो सो चूंडल पार्लियामेंट के अंदर में हुजन खपे यो ढी इंपॉर्टेंट थी मुझे खाल उनके सजो इन नैब के कानून की नैब जो जो इदारो इनकी जो जोड़जक उनको पसमंदर दिसो तो यह शे समझ में इंदी यो कड़े तरीके पॉलिटिकल टूल आ
जो चूंडियल मान चूंडियल हुकूमत सियासतदान सिविलियन के खिलाफ जो यो इस्तेमाल रो ताकि इन चेंज थे यो बिलाल भुट्टे या यो जो शुरुआत कई है ये इन मतलब इन कोई चेंज तो को पर जाहिर है ये बयान देने से एक पब्लिक ओपिनियन खे थी उन ओपिनियन के मान मंचा मिले थी उनके लेजिटिमेसी मिले थी तो उन इन बयान की इंपॉर्टेंस है। बाकी यह गाल बिल्कुल ठीक है तो इन हटाने के लिए जिन समूर पार्टियों के गड वो पवी नो समझा तो फिलहाल जो है इनके मुहिम तो कर हलए सके थी पर इन को मुतफिक थी सके यो ढो दुख्य यो सवाल इन वही बीह तो जो सिविलियन पावर आ समूर जो मुल्क सियासी पार्टियन ठीक है सुहेल सांग साहब तुम चवण है बिलावल भुट्टे के इन बयान से पब्लिक ओपिनियन ठहन बाकी कानून साजी तहत ही इनके चेंज कर सके तो हलूँ था अमर सिंधु साहब वे जी अमर सिंधु साहब आ बिलावल भुट्टे के कामयाबी मिली नैब के कानून खत्म कर में जी अमर सिंधु साहब आ जी इनाम भट्ट साहब तुम ये चौंता तुम बुधायो तो लगे तो तक बिलावल भुट्टो के कामयाबी मिली इन नैब के कानून खत्म करने में अनिल जैसी तोरी अपोजिशन जो जेके भी जमायतू हैं उहे इन ते पान में गजी करे को तायुन नथियों कन तो हु मुस्तकबिल में छा कंदा छाकाण तो दिसो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ते इनन पहिरी भी गजी सयूं कयूं पर उन खां पो बे जने इक्तदार में आया न पीपल्स पार्टी वो कुछ करे सगी जेको करण खपंदो उनन के हकीकी जमहूरी कुवतू किए सगारी थी पार्लियामेंट जो जो से है वह किए बदंदी उुरियों जी हमेशा जमहूरियत के डीरेल कन थियं उन रुकावट किए बनजी सदा उनमें नाकाम रहा उन मथा वरी जैसे नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उ भी उनमें का भी तब्दीली ना आने सकिया बावजूद इनके जो बन केतर ही अमेंडमेंट्स में अरड़ी तरमीम में उन गजी जो है चुटपे सा साथ भी दिनों पर नैब के कानून से ये सब उन वक्त में रड़ियों भी कंदा रहा तो नैब सियासी तौर से एकड़े मुखालफन के निशाने बढ़ाने ला इस्तेमाल थे थी पर वो बिन्हीं जमायतों उन वक्त में वो न कर सकिया तो मुख्य लगे ये तो कें हद ती ये खुद जे वजू जमायतू हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जिन इकदार में अचन थी तो उ भी उन शमाल कनता मुफादन के लिए चाहे वह पीपल्स पार्टी हुए या नवाज लीग हु पर जी तोड़ी इन गड़ियल तौर पर एग्री ना कन ती वे सियासी मुखालिफ के दुश्मन न समझबो इख्तलाफ राय के इख्तलाफ राय समझबो ऐवान के अंदर थोड़ी ऐवान का बहार उन राय जो एतराम कबो उन तनकीद जैसे थे थी तो उन तनकीद के बर्दाश्त किया वो पर उन बावजूद थे ये तो ये मुखालिफ जमायतों के पंजो दुश्मन समझन था जैसे इकदार में अचन था तो तेजे करे इनके सिर्फ ए सिर्फ कामयाबी तद मिली सके थी नवाज लीग जैसे उनका साथ थे प्लस में उनका गदोग एतबार कन एतमाद कन उन खिलाफ का गडियल लॉन्च कर न तो अदरवाइज ये बयानबाजी की हद तीन होंद उनमें का भी एडी तब्दीली सिर्फ चवण से को ठीक है जी अमर सिंधु साहब तां जो शा ख्याल है तो बिलावल भुट्टो के कामयाबी मिलती नैब के कानून खत्म करने में जी अमर सिंधु साहब जी मां ये समझा पर अरणी तरमीम जो पेश कई वही तभी मान पीपुल्स पार्टी को यो ही इरादो हो उनमें खात्मे की पर उन वक्त ठीक है अमर सिंह साहब तुझे आवाज में कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम अचे पो हलूँ था निसार खोखर साहब दे जी निसार साहब तुम ख्याल है बिलावल साहब के कामयाबी मिली नैब के कानून खत्म करने में ऐसो इन यो तो बिलावल भुट्टे जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है वह एक्सपेक्टेड हुई जहरा ये फैसलो आयो उन या इन तरह से एक्सपेक्टेड मुझे ख्याल है पैरों सियासतदान है जै इन तरह से बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके यह दिनी है उनमें उन तमाम शदीद तनकीद कई है शदीद तनकीद में उन यो भी बुधायो है
नेब चेयरमैन में कुछ शर्म हुआ हो जिस इस्तीफा दी हली वजे जी तो गाल ये के नेब जे इदारे कंट्रोवर्शियल पॉलिसी से जी जी निसा साहब ठीक आए ता जो ओपिनियन हली अच्छी हो नाजरीन पीटीआई जे शहबाज गिल चयो आए त मरियम नवाज साइलेंट मोड ते आए शहबाज शरीफ बिलावल के हथ न ईंदो बिलावल के सिर्फ़ ए सिर्फ़ मसवाड़ी सियासतदान जो किराए ते मौजूद है फजल रहमान उनसा गुजारो करो पवो उन तो बिलावल भुट्टो बुखलाहट जो शिकार है हलूँ था शबीर शर साहब दे शबीर शर साहब मुख्य ये बुधा तो पीटीआई के रहनुमा के बयान से तुम केतरो मुतफिक आयो ये बुधा तो वाकई शहबाज शरीफ बिलावल से एक पेज ते ना है तो हुकूमत इन किस्म जो हरकतों कहती रहे पी तो उन्होंने चिड़ाए जे मुश्तहिल कजे इन किस्म की स्टेटमेंट्स जी थी रहे बेसिक शे तो बिलावल उनकी पार्टी जे उनसर या जे इतिहादी पॉलिटिशियंस उन अपोजिशन में वेठा उन रबते कर में केतरे हद तक संजीदा उन्होंने रबते कर जहा तरीका अख्तियार क्या जैसे वो एपीसी घुराइन था पा तो कड़ी लीडरशिप से उन्होंने राबो किया ठीक है जैसे ये चवन था तो उनसा मरियम नवाज राबते में कान का नवाज शरीफ जाहिर है तो वो कोरोना वायरस के कर सख्त बीमार आज जो है सो अ क्वारंटाइन में आंदा उन शे के बिल्कुल ही नजरअंदाज कर पो वे इन मल तई कैंसा राबते की पोजिशन में कोने उनके कैंसर अलग आको है सो कोरोना जो अटैक अलग अस जाहिर है तो 70 ईयर्स का अब एज जो मूँ आड़ी कंडीशन में आने कंडीशन अ माल के भी जन से लिखन पाया बेसिक शे ये तो पीपल्स पार्टी उनसा बया अगर जी सियासतदान की लीडरशिप वेठी है फर्स्ट प्रो जी खाकान अब्बासी वेठो है एहसन इकबाल वेठो आया खोड़ वेठा उन्होंने उन्होंने केतरे कदर जो है सो मरियम औरंगजेब वेठी है उन्होंने केतरे हद तक राबो किया राबता मुहिम सिर्फ बयान महदूद आ या उन्होंने डायरेक्टली जो है सो उन्होंने दावतनामो पेश या उन्होंने सलाह मशुरा भी जिनसे क्या वह इन किस्म की का भी शे वाजे कान का बाकी हुकूमती बयान जे उन उनके हवाई पैर ही चई सकजे तो पो उन्हों हों कें तरह से हाँ असा जो इंतशार पैदा क्यों अपोजिशन के सिफुन में उन्होंने जहाँ पोलराइजेशन सिबंदी वगैरह जहाँ कर दूँ उनके इन में बयान में मां नो समझा तो कोई वजन है एडा पीपल्स पार्टी अपोजिशन भी पा में को संजीदा नजर को अचन पे इन किस्म की कई पोलराइजेशन कई सिबंदी असेंगे सीरियसली संजीदा अंदाज में नजर कान थी अचे पी जी 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 अलीसन साहब तुम्हारी तरफ चाहूँ था तो बिलावल भुट्टो चाहिए तो सभी सियासी पार्टियों गजी करे नैब के कार्य कानून के खत्म करने लाए कानून साजी कन बे तरफ जवाब में शहबाज गिल चाहिए तो जो मरियम नवाज है वह साइलेंट मोड से है शहबाज शरीफ इन हथ नहीं इन सिर्फ ए सिर्फ किराए के सियासतदान फजल रहमान से गुजारो करो पवो उन यो भी शहबाज गिल तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बोखलाहट जो शिकार है हाँ मुझे सवाल तवा का यो तो बिलावल भुट्टे जो सियासी पार्टी के गजी नैब के कानून खत्म करने लाइ गाल कई है उनमें उनके केतरी कामयाबी मिलती बो जो शहबाज गिल बयान दिनों उनसा तुम केतरो मुतफिक आयो देखें अभी जो ये बात हो रही है ना कि नैब को खत्म कर दें ये कर दें वो कर दें ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं फैसले नहीं हैं फैसला अभी तक नहीं आया है कि क्या फैसला क्या लिया है सुप्रीम कोर्ट ने नंबर एक नंबर दो अगर नैब को खत्म कर दिया जाए तो इस मुल्क में एहतसाब के इदारे कौन से होंगे क्या वही एंटी करप्शन होगी जो सूबों में काम कर रही है और जो चीफ मिनिस्टर के अंगूठे के नीचे होती है जो कोई काम करती नहीं है सिर्फ मुखालिफ लोगों को डराने और धमकाने का काम होता है उसमें फिर रह गया इन लोगों के आपस की अंडरस्टैंडिंग और इत्तेहाद का मामला वो बनना नहीं है इनसे इसलिए कि इनके ये सारे लोग इस वक्त इस मुल्क में ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तहरीके इंसाफ समेत सारे लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में आप जब ये ख्याल करते हैं कि आप ऐसे कर देंगे आप वैसे कर देंगे तो आपके पीछे लोगों की कुव्वत होनी चाहिए लोग मुझे तो नजर नहीं आता है कि सड़क पे आने के लिए तैयार हैं या लोग अपोजिशन के कहने पे कोई तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं या लोग हुकूमत के कहने पर कोई सड़क पर आने के लिए तैयार हैं इस तरह की कोई सूरत हाल बनती भी नजर नहीं आती है और ये कहना शहबाज गिल का कि फजलुर रहमान किराए के लीडर हैं
ये खासा इंसल्टिंग है। इन लोगों को अपनी जबान पर तवज्जो देना चाहिए कि क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। फजलुर रहमान एक सियासी कुव्वत है इस मुल्क में, ये तस्लीम शुदा है। अभी जो आखिरी दफे उन्होंने अपना इज्तिमा इस्लामाबाद में किया है, उससे ये साबित हुआ कि उनके पीछे एक कुव्वत है। वो भले मजहबी लोग हों लेकिन वो उनके पीछे हैं। तो ये कहना बहुत ज्यादती की बात है कि वो किराए के लीडर हैं और ये है वो है। अब ये बैठकर इन सब लोगों को सर जोड़कर बहुत ज्यादा तवज्जो से अपने दरमियान कोई अलायंस बनाना होगा, लेकिन वो सारे अलायंस उस वक्त नाकाम हो जाते हैं जब हुक्मरानी करने का मौका आता है, जब इख्तदार का मौका आता है, जब कुछ लेने का मौका आता है तो सब लोग तकसीम हो जाते हैं। जी 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 सुनील सांगी साहब, तहां ले चों था ये बताया तो शहबाज गिल जे बयान सा तमा केतरा मुतफिक आयो, छा वाकई शहबाज शरीफ ए जको बिलावल एक पेजत ना हैं बियो जी हाने अली हसन साहब चयो तो मानू तैयार ना हैं रोडन दे अचण लाए कि था दिसो ने गाल के। हां शहबाज गिल जे बयान सा छो मुतफिक छ यार, गाल ही है तो हन असल में बिलावल जेडे नमने सा एग्रेसिवली शैन के मूव करे पियो जे पॉलिटिकल पार्टी जे के अपोजिशन उनके जोड़न की जोड़ने अटेम्प्ट करे पे तो उन्हें हुक्मरान हुकूमत परेशान है नो डाउट। मतलब वाकदे से वजीर अजम जो गालिबन मुख्य पढ़े हुए उन्हें जो वाकद हिदायतू हुई तो भाई इन शहर के मुंह दिए टीम के वजीर की टीम के रिकॉर्ड से मौजूद हैं। बे नंबर की गाल है तो शहबाज शरीफ अगया है या मरियम नवाज सालिन मोड में है, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो वो आए तो कंखेद मल मैदान में बिहारे थी। जहां पान रांद करूँ था क्रिकेट के ही वो खी तो उन्हें में जो फैसलो कहो कैप्टन कह तो केर केदी मल खेड़ी पोजिशन से खेड तो यो तो उन जो फैसलो आ ना तो मरियम नवाज जदे पेरी हुई तदे शहबाज शरीफ अगर ना हो तब तो ओदी मल मरियम को पे कयो या उनका आगे में नवाज शरीफ पे कयो तो यो तो सजो पार्टी जो फैसलो आ तो ओदी मल जे को आसो एकरी डिफरेंट सिचुएशन ओदी मल बल्कि सीनरी बिल्कुल डिफरेंट। हां यो जरूर पंजी जाए के सही गाल आ तो ता मतलब तो केड़े रांदी करके केदी मल मैदान लायो था उन्हें में पतो पड़े तो ता केड़े किस्म की रांद करना चाहे था या को तेज किस्म की होंगी या हल्के किस्म की होंगी या जो भी उनमें या मेरे एक टाइम गेन करना उन्हें जी होंगी मेरे जरूर एक मैटर कह शहबाज शरीफ के लिए अमूमन यो समझो वो तो उनको जो एटीट्यूड है वो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा डिफरेंट है सॉफ्ट है उन्हें मुकाबले में मरियम नवाज जो है नवाज शरीफ जो वो जैसे यो समझो तो वे तो कंफ्रंटेशन वो पर गाल यह तो कंफ्रंटेशन वाली जो हो उन्हें के तो पंजाब के मानू वे पैमान में उनको सपोर्ट कर सपोर्ट हुई जैसी जी गरमाइश उन्होंने महसूस कई उन्हें के नतीजे में नवाज शरीफ के हुक्म मजबूर थी तो बाहर मोक या बी गाल कुछ मानू जो ख्याल है तो उन्हें जेवज मरियम नवाज के इतने हुकूमत पाकिस्तान अंदर ही रखो है तू माफ कर जिस तक तुझो वालिद साहब आ वो मुल्क बाहर ये हलन थी पर अपार्ट फ्रॉम दैट तो इन्हें में आऊं समझा तो होता है यो चवान तो भाई को उन्हें सा कोई न चीज अन्या की शुरुआत किया गालन जी अन्या तो एपीसी के मामले के इत्तेदाई तौर से कंसल्टेशन किया और बी भी जे का गाल है वो आया तो अहसन इकबाल है शाहिद खाकान अब्बासी ये जे के थे उनमें नवाज लीग में उन्हें पोर्शन के क्या लीड कन जाए पोर्शन के जो नवाज शरीफ जे या मरियम नवाज जो नैरेटिव उन्हें के वधिक भेजो आ तो गालियों जे के कयो हन बिलावल सा उए तो एसन इकबाल है ना ची कयो हन आ समझा तो इने में को वो कौन है ये शहबाज शरीफ जे बीमार है तब वो उन सूरत में जे जारत उने में थोड़ो वक्त लगंदो इने के मुझे गाल वक्त का आज में यो चवन यो गलत थी जो यो सब कुछ खत्म थी यो या छा थी यो को नयो मंजर नाम जुड़े थे उने नए मंजर नाम में समझन जी उन्हें जो कड़ो जो मुख्तलिफ फोर्सू के पान से इंटरप्ले कड़ो कड़ी पोजिशन में बीह यो अ तय थी बाकी आई नई शकबंदी ठंडी बनी पी ठीक है।
जी अमर सिंधु साहबा तहां ले चों था यो बुधायो त शहबाज गिल जे बयान सा मतलब उनके की था दिसो जो को बयान दिनो आए बियो वाकई शाह शहबाज ए बिलाव लिखे भेज देना है दिसो ये कही सके तो त मुख्तलिफ जे के पार्टी उन जो है ना वे मुख्तलिफ मौकन ते मुख्तलिफ जे कहन से पांजे जे कहन से पॉलिटिकल लीडरशिप का मुख्तलिफ कम वठन जो है मिसाल के तौर ते जे कदे खुद पीपल्स पार्टी जो दिसे तो पीपल्स पार्टी में कदी तवा के जे को सो एकड़ो टाइम इंदो आ त जरदारी वट कमांड नजर इंदी आ कदे टाइम इंदो आ तो आ कमांड हियर आजकल बिलावल जे हथ में नजर अचे पई आई मां नथी चई सका इवन मुस्तकबिल जे बारे में त या हर वक्त जे का सा उन जे बिलावल जे हथन में हुंदी तीए बिल्कुल जका सा नवाज लीग जे जका सा उनके कैरेक्टर के भी दिसि सके तो ते हन वक्त जको मौजूदा जका सूरत हाल आए वा मुमकिन ना डील भी थी सके थी ए मुमकिन ना जका सा उन जी पॉलिसी जका पार्टी पॉलिसी भी थी सके थी तो मरियम के फिलहाल पोचे रखे हुए आ शहबाज शरीफ उन मामले में जो आ थोड़ा अगते आयो है शहबाज शरीफ जो मूड जो मोड ऑफ पॉलिटिक्स है वो को घड़ो मजामती को बजायर पर इन वक्त जो सिचुएशन नजर अचे पी उनमें यो नजर तो अचे पे तो नवाज लीग की जहाँ टॉप लीडरशिप है जैसे चाहिए नवाज के जो पंजो जो रवैयो है नवाज शरीफ साहब जो तो नवाज शरीफ शायद पांजे रवैये में कें भी किस्म की मफाहमत वाली गाल या इन हाउस तब्दीली से खुश को जैसे तो हि जी कोशिशू थी रही वेंदे जहाँ मुख्य लगे तो पीपुल्स पार्टी के हद ताई इन हाउस तब्दीली लाइक इनके अगते बढ़न चाहन थी मां नथी पी समझा तो पीपुल्स पार्टी इन वक्त बेहर इलेक्शन ला तैयार होंगी या इवन शहबाज शरीफ बेहर इलेक्शन वे मूड में वे तो या एस्टेब्लिशमेंट बेहर इलेक्शन वे मूड में आए हकीकत यह है तो जो इन हाउस तब्दीली है उन इन हाउस तब्दीली में सब का वही रुकावट है वो खुद नवाज शरीफ है हाँ ये गाल अगत उनमें केर माइनस केर प्लस भी गाल पर हकीकी तौर पर निश्चय तो हिन किस्म की हलंदी उन मुखालिफ धुर वाली वह मुख्य नो लगे हुकूमत किराने वाली कें किस्म की तहरीक हलंदी हाँ अलबत् उन मुश्किल पैदा कर उनके कें भी तरीके से बार्गेनिंग पोजिशन में आना उन बार्गेनिंग पोजिशन में वद का वद केर केड़ी जका सा पार्टी वधिक हासिल कर सके थी एकड़ी बी भी गाल नोट कर जड़ी है तो सिंध हुकूमत इन वट पीपुल्स पार्टी वट राइट नाउ सिंध हुकूमत है जैसे तो हिंदर जो नवाज लीग वट विन ला कुछ को तेजे करे मां समझा थी तो जो नवाज शरीफ की पॉलिसी है तो मुकम्मल तौर से जहां बेहर इलेक्शन में वजे और कुछ न कुछ वी वेजे जैमें कें भी तरीके चौधरी बिरादरान या बे कंसा पावर शेयर करन न तो चाहे जैसे तो जो मौजूदा पोजिशन बचे थी उन मौजूदा पोजिशन में उनके कि न कि पावर शेयर करो पवो घने भागे जो बाल जो हले पी तो पंजाब में जो तब्दीली इंदी तो पंजाब की तब्दीली में भी नवाज शरीफ के पांजे लेखे में कुछ मिलने के बजाय वजारत आला है वह शायद चौधरी बिरादरान की झोली में किरे तो तेने करे ये पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ भी है गडो गड जो अपोजिशन के विच में भी कुछ शयू होंद पर मैं यो समझा दी तो ठीक है अमर सिंधु साहबा तहां जो मौकिफ चिटो है जी जी जरूर जका सा मुश्किल तहां जो मौकिफ अची वयो नाजरीन वक्त थो एक नंबी ब्रेक जो ब्रेक का इन ही मौजूद है बाकी पैनल से गलंदे असा गद रहो वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में एक दो बीहर भलीकार इनाम भट्ट साहब ब्रेक का अगमें गल रहा शहबाज गिल के बयान के बारे में जैमें उन्हें है तो शहबा बिलावल भुट्टो जो है बौखलाहट जो शिकार है किरायेवार सियासतदान फजल रहमान उनके जो उनसा कम हलो पव बाकी मरियम नवाज तो साइलेंट मोड से है जो शहबाज शरीफ है वो बिलावल साहब के हथ नहीं कें था ऐसो इन बयान के शहबाज गिल के बुधा तो वाकई शहबाज शरीफ ए बिलावल एक पेज ना शुस एक सदाई असट यह श नजर इंदी तो हि जे भी बयान जारी कन था पीटीआई जहा खास कर वजीर मुशीर उ फोकस्ड हूँ सुभा की अखबारी सुर्खी के लिए मीडिया से जो है सो शोहरत हासिल कर हकीकी उन पास से न को पॉलिटिकल विजन हों न इंफॉर्मेशन होंगी न का शो पासो जो है वो इो दिसूँ तो खुद
इमरान खान हिंदुस्तान जे आपकी अदालत जे एकड़े प्रोग्राम में यो चई आयो हो त पाकिस्तान जे अंदर जेतरे तोणी एस्टेब्लिशमेंट राजी नथी थे तेसी इक्तदार मिलण या कें जो इक्तदार वञण उहो मुमकिन कोन्हे। हाणे इन पासे खे जेकॾहिं वठी करे ॾिसूं त हिते हिन वक़्तु मौजूदु पीटीआई जी हुकूमत मां अञा ताईं का अहिड़ी बेज़ारी उन्हनि क्वार्टर्स मां नज़र नथी अचे जेके इन मूवमेंट खे तेज़ी सां वधाइनि, पर हा अपोज़िशन पंहिंजे तौर ते हिकिड़ो माहौल ठाहिण जी कोशिशि करे पई जंहिंमें ख़ासि करे जेके सेकेंडरी क़यादत आहे, माना हींअर जेकॾहिं ॾिसजे त फस्ट क़यादत पीपल्स पार्टी जी उहा आहे आसिफ ज़रदारी, नून लीग जी फस्ट क़यादत आहे शहबाज शरीफ, पर उन जी सेकेंडरी क़यादत जेकर ॾिसजे त उहा आहे बिलावल, ऐं होॾां जेकर ॾिसजे त शहबाज शरीफ या ॿिया जेके उन जा शाहिद खाकान अब्बासी या जेको आहे सो इसाक डार आहे, त इहे जेके आहिनि उहे उन में अची था वञनि। त हिननि जूं पाण में ॻाल्हियूं त कंहिं हद ताईं शुरू थी वियूं आहिनि, कंहिं न कंहिं मामले खे अॻिते वधाइण लाइ हू हिकिड़ो पंहिंजो राय हमवार करण जे लाइ अॻिते वधण लाइ कोशिशि कनि था, पर उन में तेज़ी तॾहिं ईंदी जॾहिं हुननि खे इहो नज़र ईंदो त असां सभु शयूं ॿेड़ा साड़े ॿाहिरि निकिरूं ऐं उनजो वाक़ई को नतीजो ई मिले जी। न त अदरवाइज़ जेका मौजूदा तौर ते हुननि जे मथां ख़ुदि जेका तलवार लटकंदड़ आहे उन जे लाइ हुननि खे इहो डपु आहे त किथे जेकॾहिं हुनखे सपोर्ट न हूंदी का जेकॾहिं बेकिंग न हूंदी त किथे ईअं न थिए हू तेज़ी सां अॻिते वधनि ऐं हुननि जो उल्टो बेकफायर हुननि जे मथां थिए ऐं हुननि खे पाण लेने खे देने पड़जाए, त उनजे करे आउं सम्झां थो संभाले संभाले हलनि था। ऐं ॿियो जेको टियों अमल आहे, टियों आहे अपोज़िशन जे पार्टियुनि जो हिक ॿिए ते एतमाद, उहो एतमाद जी जेका खोट आहे उहा बि आहे, छाकाणि त हुननि खे पाण खे ख़बर आहे त हुननि जे मथां केतिरा केसिस आहिनि, कंहिंखे केतिरी रियायत खपे थी, उनजे करे हू इन डप में बि रहनि था त किथे ईअं न थिए त असां ॿिए कंहिंजे रस्ते ते हली अॻिते वधी वञूं ऐं पोइ वरी उहो पंहिंजो बेनिफिट वठी ऐं असांखे धक कढी वञे। हाणे इहे जेके शयूं आहिनि न उहे इंतिहाई इम्पॉर्टेंट आहिनि जेके नज़र अचनि थियूं। बाक़ी हीअ जेका शहबाज़ जो शहबाज़ गिल जो बयानु आहे त हुनखे हथ न ईंदो या बिलावल खे रुसवाई मिलंदी, इहो त मिड़ई ईअं सियासी बयानु आहे, ईअं ज़रूरी कोन्हे। तव्हां चवंदा आहियो त इहो बयानु सिर्फ़ु सियासी बयानु आहे, हिनजी का ख़ासि अहमियत आहे। हलूं था निसार खोखर साहिब ॾे। जी निसार खोखर साहिब, कीअं था ॾिसो हिन बयान खे? ॾिसो, इन क़िस्म जा बयान ज़ाहिर आहे हुकूमती हू आहे, पोलिटिकल असिस्टेंट आहे, उन में त ईंदा। ऐं इन खां अॻु में हिकिड़ो जेको अॻु में ॾिनो आहे उहो तमामु अञा तेज़ हुयो, जंहिंमें हुन अहसान इक़बाल ऐं कमर ज़मा कायरा जी मुलाक़ात जे लाइ चयो त ज़रदारी खे सड़कुनि ते गिलींदड़ ऐं लुटियल माल पेट फाड़े कढंदड़ जेको आहे न उन ते तफ़सीली तबादला ख़्याल थींदो। त उन जे करे हिननि जो त आहे सभु शयूं हिक ॿिए सां, पर ओवरऑल ॾिसजे त सूरत हाल कीअं आहे, छो त हर हिकु सियासी जमात जा पंहिंजा पंहिंजा जेके आहिनि से प्रायोरिटीज़ आहिनि, तरजीहात आहिनि। जीअं नून लीग जी तव्हां ॻाल्हि कई त नून लीग जी जेकॾहिं ॾिसजे त मरियम नवाज़ शरीफ खे हुननि ॼाणी वाणी ज़ाहिर आहे उन्हनि जो अंदरूनी मामिलो आहे, उन ते असां तजो ई करे सघूं था, ॻाल्हि पंहिंजो ओपिनियन ई ॾेई सघूं था। त उन्हनि माण्हुनि इहो कयो आहे त उनखे फिल वक़्तु हुननि पोइते रखियो आहे ऐं फ्रंट ते जेको आहे शहबाज़ शरीफ खे आंदो आहे, छो त शहबाज़ शरीफ जे बारे में इहो मशहूरु बि आहे ऐं हूअं बि ॼाणी वाणी सभिनी खे ख़बर आहे त हू एतिरो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जेको आहे खुली तरह सां कॾहिं बि न ॻाल्हाईंदो आहे, ऐं इहे सभु शयूं जेको आहे सो जंहिंजे करे ई हुनजी कैंप मशहूरु थी पी एम एल एन में, त बाबा मरियम नवाज़ जी हिकिड़ी कैंप आहे, शहबाज़ जी हिकिड़ी कैंप आहे, ऐं ॿिन्ही कैंप्स में विच में जेको आहे फ़र्क़ु, उहो फ़र्क़ु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु स्टैंड वठण जो आहे, पोलिटिकल स्टैंड वठण जो आहे। उन जे करे तव्हां ॾिठो हूंदो त जॾहिं बिलावल मरियम जी दावत कई हुई, बल्कि आई हुई मरियम हुन जे बिलावल हाउस ते, त उन दौर में ट्विटर जेको आहे सो तमामु हिन जो एक्टिव हूंदो हो मरियम जो। हाणे उहो तमामु घणो ई जीअं हिन जी लैंग्वेज में त असां नथा चऊं त साइलेंट मोड ते, पर हू पंहिंजी रज़ामंदी सां हिकिड़ी ख़ामोशियारी ज़िंदगी पई गुज़ारे। त इन दौर में ए पी सी हिकिड़ी ऐं ज़ाहिर आहे बिलावल भुट्टे जी पहिरीं ए पी सी हूंदी नेशनल लेवल ते, उहा कामयाबु थिए उनजी। बाक़ी जेकॾहिं इहो ॾिसजे त उनजे लाइ मौलाना फज़ल रहमान साहब जे लाइ जेतिरो चयल आहे, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त मौलाना फज़ल रहमान लाइ ईअं चवणु नामुनासिब आहे, ऐं उहो हिकिड़ो सियासतदान आहे, ज़ाहिर मज़हबी जमात आहे, उनजी फॉलोइंग आहे, उहे सीटूं खटींदा बि रहिया आहिनि ऐं सीटूं हाराईंदा बि रहिया आहिनि, उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे। पर ओवरऑल मौलाना फज़ल रहमान खे चइजे त रेंटेड क्राउड थो करे, त उहा ख़ुदि हिकिड़ो सियासी मुखालिफ़ जे लाइ एतिरी तज़ीक आहे, उहा आहे।
बाकी जो मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ से वेझो आजी हों ना सभी जरदारी से वेझो आज यो लगे तो एपीसी ते ही घुराइंदा एपीसी में थी सके तो हाँ सेकंड कैडर तो शरीक थे पीएमएलएन जो या पहले कैडर की लीडरशिप थी शरीक थे यो खुद पीएमएलएन की आइंद की हिकमत अमली से छल आ तो उ कें था हिकमत अमली अख्तियार कन छो तो हाँ तुम दिखो तो नेब में बेन हंधन से शहबाज शरीफ वह पो पर जैसे उनको आयो तो बिलावल उनसे मिलन तो चाहे सेहत के कर मिलन की पोजिशन में नाजरीन वफाकी हुकूमत मालियाती कमीशन जो जो जोड़ जक जो पुरानो नोटिफिकेशन हो उनके कैंसिल कर छो है नओ नोटिफिकेशन जारी कर छो है नए नोटिफिकेशन मुताबिक नाणे वो सलाहकार हफीज शेख के मालियाती कमीशन में खारिज किया है। इन सूरत हाल से राय मालूम कर हलूँ था शबीर शर साहब दे। शबीर साहब ये बुदाय सूबन जतराज हुआ उनकी जोड़ जक के हवाले से भी टी ओ आर के हवाले से भी हाँ जो नई जोड़ जक थी इन सूबन जतराज खत्म थी वा सूबन जो एतराज रुगो इन को सूबन के मालियाती इदारे में बराबरी वो जो है जो उन्हों मुकर्र थल हिस्सो है वो को मिले पो असल गाल उनते थी पे हले कें किरदार के कें करेक्टर के हटाने जो मसलो को बेसिक शे उ तो उनके लगातार मुसलसल वफाक जो सो टाल मटूल कंदो तो रहे पो इन कर ही धमकियों थी मिलन तो बारह अरड़ी तरमीम जहां पिस्टन खपे अरड़ी तरमीम जो एनडीए में जो सरबरा उन भी गाल निकरी वही बारहें किस्म जो इंटरव्यू जो दिनों हो तो उन्होंने में यह तकलीफ है सिंध जो है सो सिंध के हमेशा पैं मुकर्र जो है हिस्सो उन सदाई जो है सो घट मिलो इन सा ना समझा तो वो करेक्टर जो रोल घटाने से या कें हटाने सा सूबन ज शिकायतों के असल मेन पॉलिसी मेकर्स तो उत ही वेठा जे सूबन के बराबरी के बुनियादन से हिस्सो ना दियन पाया जैसी ते वह शे उते तस्लीम न कई वेंदी उनके मन न हों के अमल अमल जो दिखार न वो तो ये शे असा कई से ये शे थी सूबन की जो ग्रीवेंस सूबन जो जो चवण है उनको मुतालबो है उनका घुर्ज है एक जरूरत है असा पूरी कई दिसी ते जाहिर मां तो नथो समझा तो इन शन से ये पूरी थी जी ठीक है जी अलीसन साहब जोड़ जक के हवाले से ब एतराज हुआ एक उनकी जो मेंबरशिप हुई उनके हवाले से बो टी ओ आर के हवाले से हाँ नई जोड़ जक सामू आई है सूबन का एतराज खत्म थी वा सूबों का एतराज ऐसे खत्म नहीं होगा। आप कितनी दफे लोग निकाल लें और नए लोग ले आए आपको बहुत खुले दिल के साथ बैठ के सूबों की जरूरियात पे गौर करना पड़ेगा लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है। असल 18वीं तरमीम से मामला बंधा हुआ है। 18वीं तरमीम में कुछ लोग बहुत सारी तब्दीलियां चाहते हैं वो उनका ख्याल ये है कि ये तब्दीलियां आएंगी तो उनका हाथ ऊपर हो जाएगा वो अपर हैंड हो जाएंगे सूबों की कोई सुनवाई नहीं होगी और सूबे ये चाहते हैं हमारी सुनवाई होते ये लोगों के आने जाने से नहीं होगा। इसको टी ओ आर को बैठ कर बहुत रिव्यू करना पड़ेगा गौर करना पड़ेगा और सूबों की जो जरूरियात हैं जो जमीनी हकायक की रोशनी में उस पर उन्हें गौर करना पड़ेगा ये देखे बगैर कि किस सूबे में किसकी गवर्नमेंट है। आज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कल नहीं होगी। सूबे सरहद में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है कल नहीं हो सकती है तो ये कहना कि इस तरह ऐसे नहीं होगा इसको बहुत तवज्जो से इन्हें करना पड़ेगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये पहले मरहले में पहले कदम के तौर पर क्यों नहीं तवज्जो से ये चीजें की जा सकती हैं जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट नौयत की चीजें हैं बुनियादी सवालात हैं। जी जी सुहेल सांगी साहब जी अलीसन साहब चयो तो टी ओ आर्स के भी रिव्यू करणो हो हाँ ये बुधा तो टी ओ आर के रिव्यू करण का सवाए सूबन के या नई जोड़ जक कबूल होंगी भया तो यो कबूल न होंगी पर गवर्नमेंट के इन ही समझण खपे तो जैसे पिटिशन बलूचिस्तान हाईकोर्ट भी दिनी उसे जो जावेद जब्बार साहब के जो उन्हें बलूचिस्तान के निमान जो करे खड़ी वरतो के पास जो यो हो तो जो इतना का जो राणे वो सलाहकार हो हफीज शेख साहब इन्हें के खी हो तो हि इन पे तो बाकी टी आर वो मामलो जो अना ती वो रहल बुनियादी गाल है तो इन वक्त जो उनके जो रिव्यू करणो वो तो रिव्यू यो करो तो बधी सूबन के साथ दे सकते
इन्हीं पे तो कोई सवाल ही कोने अड़ी तर्मी बीच में आयल आ तंजे करे तो भाई जो को हिस्सो मिले पियो उन्हें से कटाए न थो सके तो इन्हें जे करे एड़ो कोड कियो आ जेको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के उन्हें बेस के खिलाफ हो जे वो तो करे ही न थो सके वो सदर साहब जो अख्तियार को वो एनएफसी जो पंजो को अख्तियार को तंजे करे इनके यो चवन तो भाई उन्हें को सुबन का उनका वसीला या पैसा या नाउ जो खटाइन हुआ वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है लेकिन आऊं समझा तो उन्हें क्यूआर के यो ही रखन खपे तो इन्हें की की करे सकते बाकी जे कने का मामला है तो उन्हें जे ला एक अलग कंसल्टेशन थन खपे उन्हें में जे कने के जुरु चाइन थी तो उन्हें मैं सिर्फ एनएफसी वारो का ठीक है सर संघ साहब ता जो ओपिनियन अच्छी होयो अमर सिंधु साहब टाइम शॉर्टेज है ता पे जो ओपिनियन एक मिनट में कंक्लूड कजो ये बताया तो टीओआर जे रिव्यू करण खा सवाय नई जोड़ जा कसूबन के कबूल हुंदी जी इनाम भट्टी साहब ता बतायो अनिल दिसो पहली ते ही जको फैसलो आयो आ यो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 मई ते पीएमएलएन इन एतराज़ वारो हो तो जो स्पेशल एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर जो वो एन एफ सी अवार्ड जो मेंबर नो सके उन कोर्ट फैसलो आ जैसे कर अज नोटिस उत्ते डी नोटिफाई कर हटाण जो कोर्ट में उन्होंने पेश कर जैसे उन्होंने कबूल किया फैसलो थो मेन जो सिंध जो एतराज़ है वो है उन जा टी ओ आर जैसे तब्दील क्या वह जैमें एकड़ो त हिस्से में गिलगित बल्तिस्तान ए कश्मीर के दाखिल करण बो उन में शेयर जो घटाण टों जो मेंबर इन प्राविंशियल उ विदाउट कंसल्टेशन ऑफ प्राविंशियल चीफ मिनिस्टर उन्हें नॉमिनेट कर छियान ये एक वा एतराज है और समझा तो पंजाब जो यो सिर्फ एक एतराज हो जो कबूल थो पर सिंध पे एतराजन के सिंध जो एतराज हुआ बाकी सूबन जहाँ एतराज हुआ कंसल्टेशन के हवा से उहे क़बूल न थियन मुंहिंजो ख़्यालु आहे तव्हांजो ख़्यालु आहे त मतिलबु उहे क़बूल न हूंदा सूबनि खे उनजे हल थियण खां अलावा हलूं था निसार खोखर साहब ॾे जी निसार खोखर साहब जी ॾिसो एन एफ सी में जेसि ताईं हिकिड़ो को मेंबर आहे उहो तब्दील करण सां कुझु कोन थो थिए उनजे पूरी जेका हिन वक़्तु चए थो वञे एतिराज़ जीअं असांखे चयो त भई फाटा जा जेका आहिनि हेतिरा परसेंट ॾियो हीअ शयूं ॾियो ऐं वफ़ाक प्रेशर रखियो वेठो आहे बाक़ाइदे सिंध ते त जेको एन एफ सी में आहे उहो तव्हां ॿुधा हूंदा केतिरा ई बयान त असां अरिड़हीं तरमीम जे ख़िलाफ़ न आहियूं पर एन एफ सी में कुझु मामला आहिनि उहे हल करण जी ज़रूरत आहे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त एन एफ सी खे रीस्ट्रक्चर करण लाइ सिंध खे ऑन बोर्ड वठणु ज़रूरी आहे ऐं उहो तमामु ज़रूरी आहे इन जे करे जो सिंध जा बुनियादी एतिराज़ आहिनि उहे एतिराज़ जेसि ताईं दूरि न थींदा तेसि ताईं इहा शफ़ाफ़ियत या ट्रांसपेरेंसी असांखे कंहिं बि उन हवाले सां नज़र न ईंदी भली हू पंहिंजे पूल मां ॾियनि फाक पंहिंजे पूल मां जे करे के पी में या जेके फाटा जा हुननि इलाइक़े शामिलु कया आहिनि उन्हनि खे ॾियणु चाहिनि था त उहा हुननि जी मर्ज़ी आहे पर उन लाइ ज़रूरी आहे त घटि में घटि सिंध जा जेके बि कंसर्न्स आहिनि उहे दूरि कया ठीकु आहे वॾी महिरबानी निसार खोखर साहब नाज़रीन तव्हां महिमाननि जा राय ॿुधा प्रोग्राम जो पुॼाणी खे पहुतो असांखे ॾियो इजाज़त अलावा ई